हेलो एवरीवन, आई एम अश्मिता एंड वेलकम टू फॉर्म्युलेटर। आज हम लोग देखेंगे बेयस थ्योरम। तो बेयस थ्योरम को जानने से पहले हमें टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम आना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास 1 to n इवेंट्स हैं, ठीक है। फॉर इस एग्जाम्पल के लिए हम 3 ही लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा सैम्पल स्पेस है टोटल, और इसमें हमारे पास 3 डिसजॉइंट इवेंट्स हैं, ऐसा कोई, ठीक है। और एक इवेंट बी भी है, ये हमारा इवेंट बी है, और ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। तो क्या इस वाले सेक्शन को हम A1 इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं? A1 ये पूरा रीजन और B इतना, ठीक है। तो इस सेक्शन को हम A1 इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या इस वाले एरिया को हम A3 इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और इस वाले एरिया को हम A2 इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। तो क्या A1 इंटरसेक्शन बी प्लस A2 इंटरसेक्शन बी प्लस A3 इंटरसेक्शन बी हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन बी प्लस A2 इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 इंटरसेक्शन बी, ठीक है। हमने 3 इवेंट्स लिए जो कि डिसजॉइंट इवेंट्स थे, इसीलिए आपस में इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। और एक इवेंट हमने बी लिया जो तीनों में है, जो तीनों में कॉमन है। तो क्या हम इस सेक्शन को A1 इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, इसको A2 इंटरसेक्शन बी, इसको A3 इंटरसेक्शन बी? तो क्या हमारा टोटल आ जाएगा फिर इसके बाद? तो P ऑफ B हमारा A1 इंटरसेक्शन बी, A2 इंटरसेक्शन बी, A3 इंटरसेक्शन बी का सम आ गया। अब हमने पहले जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था, क्या हम इस P ऑफ A1 इंटरसेक्शन बी प्लस P ऑफ A2 इंटरसेक्शन बी इन सब को ऐसा लिख सकते हैं? P ऑफ A1, जैसे देखिए मैं आपको यहां पे दिखाती हूँ हमने क्या किया था। P ऑफ, इसको हमने P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई P ऑफ B लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, P ऑफ A1 इंटरसेक्शन B को क्या हम इसे इधर ला सकते हैं? तो P ऑफ A1 इंटू P ऑफ, सॉरी, P ऑफ A1 गिवन दैट, सॉरी, बी गिवेन A1, ऐसा लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन B को हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवेन A1 लिखा। फिर हम इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवेन A2 लिख सकते हैं। फिर हम इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवेन A3 लिख सकते हैं। तो इसी को हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम कहते हैं। इसी फॉर्मूले को हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम कहते हैं। बेसिकली टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम इज बेस थ्योरम इज एसोसिएटेड विद टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। हम लोग इसके बाद बेस थ्योरम देखेंगे। तो आप टोटल प्रोबेबिलिटी समझ गए। टोटल प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट A1 इंटरसेक्शन B, A2 इंटरसेक्शन B, A3 इंटरसेक्शन B, ठीक है। और उसके बाद हमने इसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से खोल दिया। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो आइए अब इस एग्जाम्पल से हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम को समझते हैं। दो बैग्स दिए हुए हैं। बैग वन में हमारे पास 4 ब्लू बॉल्स है एंड 6 ग्रीन बॉल्स है, एंड बैग टू में हमारे पास 5 ब्लू बॉल्स है एंड 5 ग्रीन बॉल्स है। एंड हमें अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, ठीक है। तो ग्रीन बॉल के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? पहले जब हम क्वेश्चंस करते थे तो उसमें प्रोबेबिलिटी का क्या था कि वो एक ही बॉक्स में ग्रीन बॉल रहता था, दोनों बॉक्स में वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहता था, इसलिए हम वहाँ पे ये सब फॉर्मूले नहीं यूज करते थे। लेकिन यहाँ पे हमें दो बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है ग्रीन बॉल। तो देखिए मान लीजिए हमारे पास दो बैग हैं, बैग वन, बैग टू, ठीक है। अब बैग वन में भी कुछ ग्रीन बॉल है एंड बैग टू में भी कुछ ग्रीन बॉल है, ठीक है। ये बॉल्स हैं, ग्रीन बॉल्स। अब हमें पूछ रहा है ग्रीन बॉल के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग वन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ
ग्रीन बॉल गिवेन दैट इट इज फ्रॉम बैग वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग टू गिव इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल फ्रॉम बैग टू। लिख सकते हैं क्या? आप इसे समझ पा रहे हैं मैं क्या लिख रही हूं? देखिए मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास दो बैग्स थे और जो ग्रीन बॉल्स थे वो दोनों बैग्स में डिस्ट्रीब्यूटेड थे। अब हमें बोल रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बैग ग्रीन बॉल। तो हम क्या करेंगे, पहले हम बैग वन लेंगे और उसमें से ग्रीन बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये हमारा केस वन हो जाएगा। फिर हम लेंगे दूसरा बैग और उसमें से ग्रीन बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये हमारा केस टू हो जाएगा। तो ग्रीन बॉल कैन बी इधर फ्रॉम बैग वन और ग्रीन बॉल कैन बी फ्रॉम द बैग टू। इसलिए अब हम क्या करेंगे, तो बैग वन के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, हमारे पास दो बैग्स है टोटल टोटल दो बैग है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग वन हमारा 1/2 हो जाएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग टू भी हमारा 1/2 हो जाएगा क्योंकि दो इवेंट्स हैं, दोनों के टोटल आउटकम हमारे पास टू है, फेवरेबल वन है। तो प्रोबेबिलिटी बैग वन को हम लोग 1/2 तरीके से चूज कर सकते हैं और प्रोबेबिलिटी सॉरी 1/2 नहीं, 1/2 हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग वन की और प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग टू हमारा 1/2 ये भी आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग वन इज 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट ग्रीन बॉल फ्रॉम बैग वन, बैग वन में हमारे पास कितने ग्रीन बॉल्स है, 6 और टोटल कितने आइटम्स है हमारे पास उसमें 10। तो क्या हम इसे 6/10 लिख सकते हैं प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बैग फ्रॉम बैग टू ग्रीन बॉल फ्रॉम बैग टू। तो क्या हम इसे 5/10 लिख सकते हैं क्योंकि फेवरेबल हमारा ग्रीन बॉल है और वो 5 और टोटल 10 है। तो ये कितना आ जाएगा, 6/20 प्लस 5/20 विच इज 11/20। ये हमने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से बनाया, ठीक है। इसमें कह रहा था कि दो बैग है, सिंपली इसमें कुछ नहीं कह रहा था, दो बैग था दोनों में ग्रीन बॉल्स डिस्ट्रीब्यूटेड थे, ग्रीन बॉल के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसी से हम आगे बेस थ्योरम में देखेंगे कि टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस थ्योरम में डिफरेंस क्या होता है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। आइए अब देखते हैं बेस थ्योरम क्या होता है। क्या आपको याद है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमारा पी ऑफ ए गिवन बी को हम लोग P of AI and B divided by P of B ऐसा लिख सकते थे। अब इसके पहले हमने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में क्या पढ़ा था, इसका एक्सपेंशन पढ़ा था, ठीक है। तो इसका एक्सपेंशन जो होगा अब हम उसके नीचे लिखेंगे और P of AI and B को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, P of AI into P of B given AI, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को क्या लिखेंगे, पी ऑफ ए वन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवेन ए वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवेन ए टू प्लस प्लस सो ऑन टिल एन, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही एक्सटेंशन होता है बेस थ्योरम। तो लेकिन यहाँ पे टोटल को हमने फिर से यहाँ पे खोल के लिखा है, जैसे हमने टोटल ये जो पी ऑफ बी टोटल था ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से आया था, तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम को मैंने नीचे लिख दिया। अब इस एक्सपेंशन को आपने अगर समेशन रूल पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, क्या हम इस एक्सपेंशन को ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ 1 to n सॉरी समेशन ऑफ 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए आई लिख सकते हैं हम ऐसे। यहाँ पे एक्चुअली ऐसे नहीं, वन ही रखते हैं क्योंकि ये हमारा फेवरेबल पाथ और ये हमारा टोटल पाथ, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बताऊंगी तो आपको समझ क्लियरली अच्छे से समझ आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे बस मैंने फॉर्मूला लिखा तो आपको क्लियर नहीं हो रहा। आप ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि बेस थ्योरम होता क्या है। ये फॉर्मूला एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, पी ऑफ ए आई बाई बी।
ठीक है, चलिए अब हम बेस थ्योरम को इस एग्जाम्पल से समझते हैं। कह रहा है कि एक बैग वन है जिसमें 4 ब्लू बॉल्स हैं एंड 6 ग्रीन बॉल्स हैं, एंड बैग टू है जिसमें 5 ब्लू बॉल्स हैं एंड 5 ग्रीन बॉल्स हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉल कमिंग फ्रॉम बैग टू इफ इट इज ग्रीन। गिवेन दैट अ बॉल इज ग्रीन, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फ्रॉम बैग टू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा पूछ रहा है। मैं आपको क्वेश्चन लिखती हूँ तो आपको समझ में आएगा। गिवन दैट अ बॉल इज ग्रीन, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग फ्रॉम बैग टू। ठीक है, गिवन दैट अ बॉल इज ग्रीन, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फ्रॉम बैग टू। अब हम क्या करेंगे तो देखते हैं, इसमें हम क्या करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग टू गिवन इट इज ग्रीन को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं। मैंने आपको इसके पहले बेस थ्योरम का फॉर्मूला बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग टू इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल बीइंग ग्रीन फ्रॉम बैग टू डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन फ्रॉम बैग वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन फ्रॉम बैग टू। ठीक है, तो ये हमारा फेवरेबल हो गया कि बॉल हमारे बैग टू से है, ये हमारा टोटल हो गया। बॉल हमारा बैग वन से भी हो सकता है, बॉल हमारा बैग टू बैग टू से भी हो सकता है। व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बैग बी वो बैग टू, तो दो बैग है तो हमारे बैग टू के निकलने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। एंड द बॉल बीइंग ग्रीन फ्रॉम बैग टू क्या हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, इट्स की प्रोबेबिलिटी 5/10 हो जाएगी। ठीक है, और हमने ये टोटल प्रोबेबिलिटी पहले वाले क्वेश्चन में 11/20 कैलकुलेट किया था, तो ये कितना आ जाएगा, 5/20 डिवाइडेड बाई 11/20। तो क्या ये हमारा 5/11 आ गया। तो ये तो लेंथी मेथड हो गया और ये तो फॉर्मूला वाइज मेथड हो गया। एग्जाम्स में हम ऐसे नहीं बनाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास कि हम ये फॉर्मूले लिखें। हम क्या करेंगे उस समय ट्री मेथड यूज करेंगे। ट्री मेथड बहुत सिंपल होता है, आप इससे बहुत वाइड वेराइटी ऑफ क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे मैं दिखाती हूँ इस एग्जाम्पल में। मान लीजिए हमें बॉल चूज करने हैं, बैग चूज करना है। फर्स्ट हम बैग चूज करेंगे, बैग वन बैग टू। हम बैग दो तरीके से चूज कर सकते हैं, इधर बैग वन और बैग टू। अब बैग वन में से ग्रीन निकालें या बैग वन में से रेड निकालें, अब बैग टू में से ग्रीन निकालें या बैग टू में से रेड निकालें। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि वो बैग टू में से ग्रीन चाहिए। ठीक है, लेकिन गिवन दैट इट इज ग्रीन, तो ग्रीन आने के तो दो पाथ हैं, सॉरी गिवन ग्रीन आने के तो दो पाथ है, एक ये और एक ये। लेकिन हमारा फेवरेबल है बैग टू से ग्रीन आना, तो टोटल तो हमारा ये पाथ वन मान लीजिए है, मान लीजिए ये पाथ टू है, तो टोटल तो हमारा पाथ वन प्लस पाथ टू हो जाएगा, पर फेवरेबल हमारा हमेशा पाथ टू रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल बीइंग ग्रीन फ्रॉम बैग टू, और यहाँ पे है बॉल बीइंग ग्रीन फ्रॉम बैग टू प्लस बॉल बीइंग ग्रीन फ्रॉम बैग वन। तो पाथ टू का हमारा क्या आएगा, पाथ टू इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। बैग टू की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी 5/10 है, और पाथ वन हमारा बैग पाथ वन प्लस पाथ टू, तो ये पाथ टू हो गया और ये पाथ वन हो गया। पाथ वन में हमारे पास 6 ग्रीन बॉल्स है, 6/10। ठीक है, तो ये ट्री मेथड है। बेसिकली हम लोग इसी मेथड से आगे क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि यही ट्रिकी मेथड है और यही बेस्ट मेथड है बेस थ्योरम के क्वेश्चंस बनाने के लिए। हम अपना फेवरेबल पाथ निकाल लेंगे, फिर हमने टोटल पाथ देखने हैं, और फिर हम दोनों को हम फेवरेबल बाई टोटल कर देंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5/20 डिवाइड बाई 11/20। तो क्या हमारा आंसर फिर से 5/11 आ गया।
ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेकिन वो आपको बेस थ्योरम बहुत अच्छे से क्लियर कर देगा वो क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें कुछ डेटास गिवेन है, जैसे कंपनी तीन है, एक्स वाई एंड जेड, एंड द परसेंटेज ऑफ कंप्यूटर सप्लाइड इज 60%, 30%, 10%। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें 0.6, 0.3 और ये 0.1 आ जाएगा, ठीक है। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर बिंग डिफेक्टिव इज 0.01, 0.02 एंड 0.03। तो अब क्वेश्चन कह रहा है, गिवेन दैट अ कंप्यूटर इज डिफेक्टिव, द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज सप्लाइड बाई वाई इज। कह रहा है कि एक कंप्यूटर जो हमने पिक किया, ठीक है, वो डिफेक्टिव था, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो वाई से है। चलिए पहले हम उसका ट्री बना लेते हैं। मान लीजिए हमने x, y, z तीन तरीके से हम कम सॉरी तीन तरीके से हम कंपनीज चूज कर सकते हैं, इधर x और y और z, ठीक है। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कंप्यूटर इसने बनाया वो डिफेक्टिव है या नॉन डिफेक्टिव है, ठीक है, डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, फिर इसने भी बनाया डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, फिर इसने बनाया डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, ठीक है। तीन तरीके से हम कंपनीज चूज कर सकते हैं, तीनों डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, तीन तरीके, ये दो तरीके से अपना मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो एक्स को चूज करने की हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है, कितने तरह के कंप्यूटर्स एक्स बना रहा है, 60%, तो क्या प्रोबेबिलिटी है एक्स को चूज करने की, 0.6, वाई को चूज करने की 0.3, जेड को चूज करने की 0.1, ठीक है, 0.6, 0.3, 0.1। हमारे पास तीन कंपनीज थी, इसमें हमारे परसेंटेज दिया हुआ था कंप्यूटर कितने सप्लाई कर रहे हैं ये, और था ये कितने परसेंट उसमें से कितने डिफेक्टिव है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अब इसमें एक्स के चूज करने के बाद इसकी डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 0.01, इसमें 0.02, इसमें 0.03 है, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि गिवन दैट अ कंप्यूटर इज डिफेक्टिव, तो हमारा डिफेक्टिव वाला पाथ है कि ये हो गया पाथ वन, पाथ टू, पाथ थ्री, तीनों पाथ डिफेक्टिव वाले हैं, ठीक है। अब हमें पूछ रहा है कि हमने एक कंप्यूटर चूज किया, गिवन दैट अ कंप्यूटर इज डिफेक्टिव, इट इज फ्रॉम वाई कंपनी, तो हम फेवरेबल बाय टोटल करेंगे। तो हमारा फेवरेबल पाथ कौन सा हो गया, हमारा फेवरेबल पाथ ये हो गया, ठीक है, वाई एंड डिफेक्टिव, तो वाई एंड डिफेक्टिव 0.3 इंटू 0.02 डिवाइड बाई टोटल पाथ जो कि डिफेक्टिव वाले हैं, 0.6 इंटू 0.01 प्लस 0.3 इंटू 0.02 और लास्ट पाथ 0.1 इंटू 0.03, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा, 6/6+6+3 विच इज 6/15, तो ये आ गया 2/5, 0.4, 0.4 हमारा आंसर होगा। इसमें कह रहा था कि तीन कंपनीज हैं और उसमें उतनी इतनी इतनी परसेंटेज ऑफ कंप्यूटर्स वो सप्लाई कर रहे हैं और डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी ये है। तो अब हमने ट्री बना लिया कि हम तीन तरीके से कंपनी चूज कर सकते हैं, इसमें डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, सब में डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव हो सकता है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कंप्यूटर इज डिफेक्टिव, गिवन दैट अ कंप्यूटर इज डिफेक्टिव, इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय वाई, तो हम क्या करेंगे, वाई और वाई एंड डिफेक्टिव डिवाइड बाई वाई एंड डिफेक्टिव, एक्स एंड डिफेक्टिव, जेड एंड डिफेक्टिव कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, ठीक है, ये हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, फेवरेबल पाथ डिवाइड टोटल पाथ, ठीक है, कुछ नहीं, बस बेसिकली आपको ट्री बनाना चाहिए और आपको अपना फेवरेबल बाय टोटल पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, आइए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है हमारे पास तीन बैग है, फर्स्ट बैग में हमारे पास 5 रेड + 5 ग्रीन है, सेकेंड बैग में हमारे पास 3 रेड + 5 ग्रीन है, थर्ड बैग में हमारे पास 5 रेड + 3 ग्रीन है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग बैग 1 इज 3/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग बैग 2 इज 3/10, बैग 3 इज 4/10, ठीक है। तो पहले हम इसका ट्री बनाते हैं, फिर हम क्वेश्चंस देखेंगे। तीन तरीके से हम बैग चूज कर सकते हैं,
B1, B2, B3। B1 के चूज करने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 3/10, 3/10, B10 एंड B3 की 4/10। अब इसमें से हम या तो ग्रीन चूज कर सकते हैं या तो रेड चूज कर सकते हैं। ग्रीन और रेड, ग्रीन और रेड, ठीक है। तो ग्रीन हमारे पास इसमें कितना है? 5 है, तो ग्रीन के आने की प्रोबेबिलिटी 5/10 क्योंकि टोटल 10 है। रेड के आने की प्रोबेबिलिटी भी 5/10 क्योंकि टोटल 10 है और रेड 5 है। फिर बैग 2 में से ग्रीन के आने की प्रोबेबिलिटी 5/8, रेड के आने की प्रोबेबिलिटी 3/8 क्योंकि टोटल 8 है, फेवरेबल 3 है। बैग 3 में से रेड के आने की प्रोबेबिलिटी 5/8 और ग्रीन के आने की प्रोबेबिलिटी 3/8, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन बॉल इज ग्रीन गिवन दैट द सिलेक्टेड बैग इज B3। कह रहा है कि मान लो तुमने बैग 3 से बॉल चूज किया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ग्रीन होगी, ठीक है। तो अगर हम बैग 3 से बॉल को चूज करें तो क्या हम, सॉरी, बैग 3 से हम ग्रीन बॉल को चूज करें तो क्या हमारी उसकी प्रोबेबिलिटी 3/8 है, ठीक है। तो इसकी हो जाएगी 3/8, ठीक है। आप समझ गए होंगे क्या इसमें कह रहा है कि गिवन दैट द बॉल इज सिलेक्टेड फ्रॉम बैग 3, गिवन दैट द बॉल इज सिलेक्टेड फ्रॉम बैग 3, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल? दिस वन, दैट्स इट। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट, प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन बॉल इज ग्रीन, ठीक है। तो ग्रीन आने के हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज है? ग्रीन हमारे पास 3 तरीके से आ सकती है, बैग 1 से ग्रीन, बैग 2 से ग्रीन या बैग 3 से ग्रीन, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे, बैग 1 इंटू ग्रीन, अगर हमने बैग 1 से ग्रीन लिया, बैग 1 इंटू ग्रीन इंटू 5/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 एंड ग्रीन, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 एंड ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 3 एंड ग्रीन। तो बैग 2 से अगर ग्रीन लेंगे तो 3/10 इंटू 5/8, प्लस अगर बैग 3 से लेंगे तो 4/10 इंटू 3/8, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये हमारा, 15/100, ठीक है। नहीं तो एक काम कर सकते, हाँ ठीक है, 15/100 प्लस 15/80 प्लस 12/80, तो ये कितना आ गया, 27/80। 15/100 प्लस 27/80, ठीक है। तो अब अगर हम 10 और, ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 5 4 20, 20 × 20 400, यहाँ आ गया 400, और ये 15 4 60, और ये 27 × 5 कितना होगा, 7 5 जो 35, 3 5 2 जो 10, 135, 135। तो ये हमारा आ गया 195/400। तो अब हम अगर इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 3 जो 15, 39/80, ठीक है। तो हमारा 39/80 आ गया, तो ये होगा इसका आंसर, द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन बॉल इज ग्रीन का। अब हमसे थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं आपको थर्ड क्वेश्चन बताती हूँ। ठीक है, ये तो सेकंड क्वेश्चन हो गया, कुछ नहीं था इसमें, बस हम तीनों पाथ को ऐड कर दिया जहां जहां से ग्रीन आ रहा था। ग्रीन आने के 3 पाथ थे, बैग 1 इंटू ग्रीन, बैग 2 इंटू ग्रीन और बैग 3 इंटू ग्रीन।
ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड बैग इज B3, प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड बैग इज B3 गिवेन दैट बॉल चूजन इज ग्रीन. बॉल चूजन इज ग्रीन. इसमें हमसे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड बैग इज B3 गिवेन दैट द बॉल चूजन इज ग्रीन. तो ये हमारा इसके पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही हो गया. इसमें कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 गिवेन दैट इट इज ग्रीन. तो हम क्या करेंगे, फेवरेबल बाय टोटल कर देंगे. तो B3 से ग्रीन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 4/10 इंटू 3/8 डिवाइडेड बाय टोटल. अब नीचे टोटल ग्रीन हमें चाहिए. ग्रीन आने के कितने पाथ थे, ग्रीन आने के पाथ हमारे 3/10 इंटू 5/10, फिर ये वाला एक 3/10 इंटू ग्रीन 5/8 प्लस 4/10 इंटू 3/8. ठीक है, तो ये हमारा फेवरेबल बाय टोटल हो गया, आप इसे कैलकुलेट कर लेना. ठीक है, कह रहा था कि बॉल शुड बी ग्रीन बट इट इज फ्रॉम बैग 3. ये हमारा फेवरेबल है तो बॉल शुड बी ग्रीन हमारा टोटल है. तो ग्रीन और बॉल आने के हमारे पास तीन पाथ है, पाथ 1 ये वाला, पाथ 2 ये वाला, पाथ 3 ये वाला. ठीक है, तो टोटल हमने तीनों पाथ को ऐड कर दिया और हमें जो फेवरेबल चाहिए था हमने वो ऊपर रख लिया. अब हमसे क्या पूछ रहा है, ये तो ऐसे ही था, मैं ऐसे ही रहने देती हूँ. अब हमसे पूछ रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड बैग इज B3 एंड द चूजन B3, सॉरी यहां गिवन था और यहां मैं लिख रही हूं एंड. इसमें बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड बैग इज B3 एंड द बॉल चूजन इज ग्रीन. बॉल चूजन इज ग्रीन का मतलब एंड है वहां पे. ठीक है, तो इसमें ऐसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फ्रॉम बैग 3 एंड द बॉल चूजन इज ग्रीन. तो हम लोग इसको सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 3 इंटू प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रीन. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 3 हमारे पास कितना है, 4/10 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन. प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन हमारे पास कितना है, 3/8. तो ये हो गया 3/20 है इसका आंसर. कुछ नहीं था, सिंपली ये बोल रहा था प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड बैग इज B3 एंड द बॉल चूजन इज ग्रीन. एंड है यहाँ पे, इसने हमने मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, तो बेस थ्योरम के लिए इतना ही, कल हम लोग कुछ और नया टॉपिक पढ़ेंगे. थैंक यू.